हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है और वो मैसेज ये कहता है कि मनी म्यूल ना बने। आपके बैंक खाते के माध्यम से दूसरों से पैसे प्राप्त करने या भेजने संबंधी लुभावने प्रस्तावों से आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो ये जो मैसेज है ये तमाम सारे लोगों को आया है, आरबीआई की तरफ से आया है। और उसके बाद से चूंकि मैंने पहले इस पे कुछ वीडियोस पोस्ट की थी तो तमाम सारे लोग वीडियोस देख करके मुझे अप्रोच कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, पैनिक सा हो गया है कि भाई ये क्या है, क्यों आया है, मनी म्यूल क्या होता है और अगर हम मनी म्यूल बन गए तो फिर उसके बाद क्या होता है और ये हमारे किस बैंक के लिए आया है। कई बार लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर किस बैंक के लिए ये मैसेज आया है। दरअसल ये एक अवेयरनेस मैसेज है जो आरबीआई की तरफ से आया है, जिसके बारे में मैं लगभग एक साल से बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मनी म्यूल क्या है, कैसे बनाया जाता है और अगर आप मनी म्यूल बन गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए और ये जो जेल जाने वाली बात है इसमें कितनी सच्चाई है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मनी म्यूल का मतलब क्या होता है। मनी म्यूल का मतलब ये होता है कि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं, जितने भी ये ऑनलाइन ठगी के जितने भी तरीके हैं, उसमें आप एक चीज देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे किस तरह से लिए जा रहे हैं आपसे। तो अगर ये इंडिया नहीं होता, इंडिया के बाहर देशों में क्या है, क्रिप्टो करेंसी जहां चलन में है वहां पर ये डायरेक्टली लोगों से क्रिप्टो करेंसी ही ले लेते हैं, तो क्रिप्टो के फॉर्मेट में चोरी होती है। लेकिन चूंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का चलन उतना ज्यादा नहीं है और सरकार ने भी एक तरह से उसको मान्यता नहीं दी है, इस वजह से यहां पर जो है भारतीय बैंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है इन ऑनलाइन ठगों को लोगों से पैसे लेने के लिए। यानी कि अगर एक ठग है तो वो आपसे पैसे कैसे लेगा, वो किसी न किसी ऑनलाइन अकाउंट में ही लेगा, किसी न किसी बैंक अकाउंट में ही लेगा। तो वो बैंक अकाउंट क्या स्कैमर का होगा या नहीं होगा या किसका होगा, यही बात होती है, यहीं पर आती है, यहीं पर जो रोल आता है वो होता है मनी म्यूल का। यानी कि एक मनी म्यूल बनाया जाता है, एक ऐसा खच्चर तैयार किया जाता है जो कि पैसों को एक विक्टिम के खाते से निकाल करके स्कैमर तक पहुंचाता है और उसे ही कहा जाता है मनी म्यूल। तो अगर आपको मनी म्यूल बनाया गया है इसका मतलब यह हुआ है कि आपके खाते का गलत इस्तेमाल करके ठगी की रकम आपके खाते में लाई गई और फिर आपके खाते से उसको ट्रांसफर करके स्कैमर के खाते में भेज दिया गया या किसी और खाते में भेज दिया गया या उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लिया गया या उसका कैश विड्रॉल कर लिया गया। तो किसी भी तरह से अगर आपका खाता इन्वॉल्व है साइबर ठगी में तो यहां पर जेल जाने की संभावनाएं किसकी होती हैं, आपकी होती हैं। अब यहां पर दो तरीके से विक्टिम बनाए जाते हैं, ये मनी म्यूल के जो विक्टिम्स होते हैं वो भी दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो जाने और एक अनजाने। जाने के केस ऐसे होते हैं, यानी कि अगर आप का कोई दोस्त है आपको अप्रोच करता है कि यार एक कोई गेमिंग कंपनी है और वो इंडिया में अपने कुछ बैंक अकाउंट्स ढूंढ रही है जिसके थ्रू वो गेमिंग कंपनी जो है पैसों को राउट करेगी, यानी कि अपने जीतने वाले लोगों को आपके खाते से पैसे दिए जाएंगे और इसके बदले में आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, मान लीजिए 1%, 2%, 5% कुछ कमीशन तय किया जाता है। तो कोई दोस्त भी हो सकता है या टेलीग्राम का कोई चैनल भी हो सकता है या आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलते हैं जहां पर ऐसा बताया जाता है कि आप घर बैठे अपने खाते का इस्तेमाल करके डेली आप 2,000 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप जानते हैं कि भाई देखो ऐसा कोई काम है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो। तो इस तरह से आपको एक लोक लुभावना जो है ऑफर दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट में पैसे लो, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे और फिर हम आपको कुछ अकाउंट्स देंगे, आप उन पैसे को जो है उन अकाउंट्स में डाल दीजिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम आपके खाते में पैसे डालेंगे और वो जो पैसे जो आपके खाते में आते हैं दरअसल वो ठगी के पैसे होते हैं। यानी कि कोई लोन फ्रॉड हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा हो, कोई ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड हो रहा हो, आजकल तमाम सारी ऐप्स आती हैं जैसे आपने देखा ChatGPT वगैरह भी भाग करके गई, तो उनमें जो पैसे जो लोगों से लिए जाते हैं, इन्वेस्ट कराए जाते हैं, वो डायरेक्टली आपके खाते में इन्वेस्ट कराए जाते हैं। तो अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, जब भी वो विक्टिम कंप्लेन करता है तो वहां पर किसका अकाउंट नंबर फ्लैश होता है, इस बंदे का अकाउंट नंबर फ्लैश होता है जिसने कि 1,000-2,000 के लिए या 1%, 2%, 5% के लिए अपना अकाउंट एक तरह से रेंट पर दिया होता है। तो ये एक जानबूझ करके, यानी कि आपको पता है कि भाई आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, वो अलग बात है कि आपको धोखे में लिया जाता है, आपको
जेन्युइन बताई जाती हैं चीजें कि हमारे ये सर्टिफिकेट है, हम जेन्युइन है, लेकिन पुलिस आपकी बात क्यों मानेगी? अगर आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस कहती है कि भाई तुम्हारे खाते में जो रकम आई है वो स्कैम के पैसे की है, वो स्कैम का पैसा आपके खाते में आया है, तो आप उसका क्या एक्सप्लेनेशन देने वाले हो? और दूसरा क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पैसा आपके खाते में आया आपको स्कैमर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उस पैसे को आपको क्या करना है, आगे ट्रांसफर कर देना। और कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि स्कैमर आपको ये कहता है कि आपको लॉगिन एक्सेस हमको देना पड़ेगा और साथ में बैंक जाकर के मोबाइल नंबर भी चेंज करना पड़ेगा ताकि जो भी OTPs हैं, जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करना चाहें आपके बैंक के अकाउंट के थ्रू, वो हम खुद कर सकें। तो इस तरह से एक सेट ऑफ मनी म्यूल बनाया जाता है जिसमें कि उसको पता है कि वो अपना अकाउंट रेंट पर दे रहा है कुछ कमीशन के लिए, उसको जानकारी नहीं है कि सामने वाली चीज जेन्युइन है, जो बताया गया है वो सच है या नहीं है, फिर भी वो अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दे देता है। दूसरा, आपने देखा होगा जब भी कोई साइबर अपराधी पकड़े जाते हैं उनके पास से 50-50 डेबिट कार्ड या मल्टीपल बैंक्स के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स बरामद किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए जाते हैं जिसमें कि आधार आईडी और पैन कार्ड ये सारे अलग अलग लोगों के बरामद किए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी भी न्यूज़ आई थी जहाँ पर कुछ बैंकर्स भी इन्वॉल्व थे। जी हाँ, तो ये बैंकर्स क्या करते थे, ये अनजाने में, यानी कि आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, लोन लेने के लिए आप गए, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए और उसी बीच में उन्होंने एक अकाउंट भी आपके नाम पर खुलवा लिया। खुलवाने के बाद उस अकाउंट को बेच दिया कहाँ पर, स्कैमर के हाथों। 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक की डील होती है और स्कैमर्स को वो अकाउंट बेच दिए जाते हैं। और बहुत ही चालाकी से जब फॉर्म फिलअप कराया जाता है तो उसमें मोबाइल नंबर का कॉलम छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही होता है अक्सर, हम लोग जब भी कोई बैंक अकाउंट्स खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पर हम बेसिक डिटेल भर के जहाँ जहाँ वो बोलते हैं वहाँ वहाँ सिग्नेचर कर देते हैं और बाकी जगह पे जो भी भरना होता है वो भर लेते हैं। तो वहाँ पर वो अपना नंबर भरते हैं जो कि आपके ही आधार कार्ड से एक सिम कार्ड निकलवा करके, ताकि जो भी वो बैंक का अकाउंट बने उसमें जो भी OTP आए वो उस नंबर पे आए। तो इस तरह से बैंकर्स भी मिल करके आपको अनजाने में मनी म्यूल बना देते हैं और इसके सैकड़ों में एग्जांपल हैं। कभी किसी गरीब किसान के खाते में 200 करोड़ रुपए आ गए, कभी एक बहुत सारे ऐसे केसेस आए इस बीच में जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं है और उनके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए घूम रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर कोई खाता भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से भी आपको मनी म्यूल बनाया जाता है और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग किया जाता है, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो किसी के हाथ लग जाते हैं और वो आपके नाम पर बैंकर्स की मदद से, देखो मैं सबको नहीं खराब बता रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीने में अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो बड़े बड़े बैंक्स के 15-20 मैनेजर या जो डेप्यूटी मैनेजर हुए या अकाउंटेंट हुए, कैशियर्स हुए, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि ये बात निकल कर के आई है कि लोगों ने पैसों के लालच में इस तरह से अपने ही कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करके उन पे अकाउंट खुलवाए और जब कोई गिरफ्तारी होती है तो उस बेचारे की गिरफ्तारी हो जाती है जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पर कोई अकाउंट है। इसके अलावा कुछ साइबर अपराधी इतने शातिर होते हैं जो कि गांव-गांव में घूम करके महिलाओं को शिकार बनाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया आपका जनधन अकाउंट खुलवा देंगे, या कह देते हैं कि आपको कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराएंगे जैसे पेंशन अकाउंट देंगे आपको, या आपको घर के नाम पर पैसा मिलेगा, या आपको शौचालय के नाम पर जो है कोई पैसा दिला देंगे, या कोई भी ऐसी स्कीम जो कि गाँव में प्रचलित हो उसके नाम पर वहाँ जाते हैं, लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनके नाम पर अकाउंट खुलवाते हैं और उनको कहा जाता है कि आपको महीने के 2000 रुपए आते रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं है। कई बार तो किसान निधि योजना जो है, सम्मान निधि योजना है, उसके नाम पर भी तमाम सारे ऐसे अकाउंट खुलवाए गए और उनका इस्तेमाल भी मनी म्यूल की तरह किया गया। जब भी पुलिस ये चेक करती है, पैसा ट्रेस करती है, पता चला कि किसी गाँव के किसी किसान के अकाउंट में गई है, पुलिस जब वहाँ जाती है वहाँ देखती हो किसान है, वो नीट एंड क्लीन है, कई बार गिरफ्तारियों का दौर भी होता है अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो। और यहाँ पर स्कैमर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि अगर स्कैम वो दिल्ली से कर रहे हैं तो अकाउंट्स जो हैं वो अलग अलग राज्यों के इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पुलिस भी गुमराह रहे और जो भी पैसा ये स्कैमर्स जो है स्कैम के थ्रू लाते हैं वो इस तरह के डिफरेंट म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं और इतनी बार ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद उस पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके या फिर कैश निकाल करके कहीं ना कहीं जाकर के वो चैन टूटती है और पुलिस जो है इसी में उलझी रह जाती है कि ये खाता किसका है, वो खाता किसका है। अभी कानपुर में भी एक ऐसे केस था, 36 लाख रुपए का स्कैम था, उसमें पता चला कि एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्ड ने बताया कि भाई देखो मैं तो नॉर्मल नौकरी करता हूँ, मेरे दोस्त ने बताया था कि अगर तुम अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दे दोगे तो तुमको डेली इतना प्रतिशत मिलेगा। तो देखो ये जो चेतावनी RBI की आई है
वो इसी चीज को लेकर के है कि अगर आप जाने अनजाने किसी भी तरीके से मनी म्यूल बन जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। एक केस और आया था जिसमें कि पूरी एक कॉलेज की कोई टीचर इन्वॉल्व थी और एक कोचिंग सेंटर था जो कंप्यूटर एजुकेशन देता था, उसने अपने कोचिंग में पढ़ने वाली 60 लड़कियों के नाम से छात्रवृत्ति के देने के नाम पर अकाउंट्स खुलवा लिए, सबसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, उनके नाम पर अकाउंट बनवाए और उसके बाद वो सारे अकाउंट जो है वो बेच दिए साइबर अपराधियों को। कुछ ऐसे भी केसेस पास में देखे गए हैं जहां पर जैसे कोई मजदूर है वो अपने गांव से निकल करके शहर आता है नौकरी करने के लिए, कोई वेटर की नौकरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी की मजदूरी कर रहा है, उनसे उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं और बताया जाता है कि भैया आपके नाम पर हम अकाउंट खोल करके देंगे क्योंकि हमको क्या है सैलरी देने में आसानी होगी और हम अपने ही जो हमारे बैंक के साथ टाई अप है वहां पर हम आपको सैलरी देंगे और आपको कार्ड बना के दे दिया जाएगा। अब वो मजदूर है, महीने दो महीने वहां रहता है, अकाउंट मिला नहीं मिला चला गया, लेकिन उसके अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो साइबर अपराध में किया जाता है। टेलीग्राम पर ऐसे तमाम सारे चैनल्स हैं जहां पर आप जाकर के बकायदा कॉरपोरेट बैंक अकाउंट्स या सेविंग बैंक अकाउंट्स को खरीद सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं। ऐसे तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि गांव-गांव में घूम करके इस तरह से गरीबों को, रिक्शा चालकों को, डेली वेजर्स को शिकार बनाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट लेके बकायदा बैंक जा करके उनसे ही अकाउंट खुलवाते हैं। उनसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स पे सिम ली जाती है और उसी सिम का उपयोग करके प्रॉपर एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है और वो पूरा का पूरा जो किट है वो उन मजदूरों को 2,000, 5,000, 10,000 रुपए दे करके उनका पूरा किट ले लिया जाता है। उनको बताया जाता है कि भाई देखो अगर तुमको लोन लेना है तो सिबिल तुम्हारा स्कोर अच्छा होना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट मैं खुलवा के दे रहा हूँ, उसमें जो पैसे आएंगे ट्रांसफर होंगे उससे क्या होगा तुम्हारा सिबिल स्कोर बढ़ेगा तो तुमको क्या है लोन आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे तर्क दे करके लोगों के अकाउंट खुलवा करके और उनसे जो है साइबर ठगी के पैसों को आर पार किया जाता है और यही जो चेतावनी है वो आरबीआई ने यहाँ पर दी है। इससे कोई इंडिविजुअली कुछ ऐसा नहीं बताया गया है, किसी पर्टिकुलर आपके अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है, एक जेनरिक जो है मैसेज दिया गया जिसमें आपको बताया गया भैया दूर रहना, अपने अकाउंट का इस्तेमाल किसी भी तरह से मिसयूज मत होने देना। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि भाई फला जगह पे कोई ऐसा ऑफर मिल रहा है कि आपको बिना कुछ किए कुछ 4-5 रिव्यूज किए आपने 250 रुपये मिल गए, कोई बहुत सारी जो ऑनलाइन गेमिंग आजकल कलर प्रेडिक्शन वाली गेमिंग है या और दूसरी जो फर्जी गेमिंग चल रही है या इन्वेस्टमेंट ऐप्स बहुत सारी मार्केट है उसमें हमको जो रिटर्न्स मिलते हैं पता है कहाँ से मिलते हैं आपको, इन्हीं म्यूल के अकाउंट से मिलते हैं। यानी कि जो साइबर ठग होते हैं वो सब इसी तरह के फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल करके ही वो पैसे आपको देते हैं और जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपका खुद का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। उसका कारण ही यही है क्योंकि पहले म्यूल का अकाउंट फ्रीज होता है, फिर म्यूल के अकाउंट से देखा जाता है कि पैसे कहाँ कहाँ गए हैं, तो देखा जाता है कई बार आपको मिले हैं गेमिंग के माध्यम से मिले हों, चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मिले हों या क्रिप्टो की खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो P2P ट्रांजेक्शन होती हैं उसके थ्रू आपको पैसे मिले हों, तो आपका अकाउंट भी साइबर क्राइम द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है और उसके बाद अनफ्रीज करने के लिए तमाम सारी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप मनी म्यूल बन गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या मनी म्यूल बनने के बाद गिरफ्तारी संभव है, तो हाँ बिल्कुल अगर मनी म्यूल आप बन गए हैं तो गिरफ्तारी पूरी तरह से संभव है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप उनसे भाग रहे हो, छुप रहे हो, देखो ज़्यादातर जो म्यूल्स बनते हैं मैंने जो अब तक का अपने एक्सपीरियंस देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, छोटा मोटा उनको दिख जाता है कि चलो 100, 200, 500 कमा लूँगा तो अपना अकाउंट दे देता हूँ, इसमें कुछ गलत दिख नहीं रहा है मुझे। लेकिन ये याद रखना ये बहुत गंभीर विषय है, आपके खाते में कोई आतंकवादी फंडिंग के पैसे आ रहे हैं या कैसा पैसा आ रहा है और आप अपना अचानक से अपना अकाउंट किसी को रेंट पर दे देते हो, बहुत सोच समझ करके कहीं भी अननोन सोर्स से पैसा लिया करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक होगा और बहुत सारे लोग इसमें जो है जेल जा चुके हैं, जा रहे हैं। और आपको बता देता हूँ कि ये ज़्यादातर इस केस में होता है कि आप मनी म्यूल बन गए, आपने लाखों रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, आपके पास कुछ आया नहीं, ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कि आप मनी म्यूल बने, आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ चुके, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि ये पैसे आपको आगे ट्रांसफर करने हैं और 1% या 2% या 5% आपको रखना है, तो आपने बाकी सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, साइबर की कंप्लेंट होनी शुरू हुई, आपके ऊपर 5, 5, 10, 10, 15, 15 कंप्लेंट्स हो गई। ऐसा होता है क्योंकि आपके जो पैसे आ रहे हैं वो 2 करोड़ रुपए एक बार में नहीं आए हैं, थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, किसी को 2 लाख से ठगा, किसी को 5 लाख से ठगा, वो पैसे आपके अकाउंट में मंगा लिए गए, तो आपके ऊपर क्या हो रहा है मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स होती चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आप क्या करते हो, आप बचने की कोशिश करते हो, आप सोचते हो कि जवाब ही ना दूं,
आपके पास एक नोटिस आ रहा है जो कि साइबर क्राइम के द्वारा आता है, आप वहां जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो उस केस में क्या है, पुलिस 100% अगर आपके पास आती है तो आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको कोऑपरेट करना है, आपको सच्चाई बतानी है। अगर आप गलती से फंस गए हो तो आप उनके सारी चैट्स रखो, क्योंकि आमतौर पर टेलीग्राम पे आपको अप्रोच करते हैं और वहां पर वो सारे मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं। मतलब जो भी मैसेजेस उन्होंने आपसे एक्सचेंज में बात की है, आपने डेली बेसिस पे जो उनको क्रिप्टो खरीद के दिया है या डेली बेसिस पे जो आपको बता रहे हैं कि यहाँ से पैसा आया इसको वहाँ ट्रांसफर कर दो, वो सारी चीज़ें वो डिलीट कर देते हैं। तो उस केस में क्या है, आपको सब रिकॉर्डिंग्स रखनी है, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बताने हैं कि हाँ मैं किसके थ्रू मनी म्यूल बना हूँ और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और जब तक आप सच्चाई तक रहेंगे तभी तक है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में जो है, अगर आप सपोर्ट कर रहे होंगे तभी तक आपको जो है ऐसा है कि गिरफ्तारी से शायद आप बच सकते हो। लेकिन आम तौर पर अगर आपका अमाउंट बड़ा है छोटा है और आप मनी म्यूल बन गए हैं तो पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपको पकड़ती है, क्योंकि पुलिस को नहीं पता कि आप जेन्युइनली फंसे हो या आप ही इसके साइबर अपराधी हो, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई नोटिस आता है तो कोऑपरेट कीजिए, उनको जवाब दीजिए, लोकल थाने में जाकर के FIR दर्ज कराइए खुद अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी कि देखिए मैं ऐसे ऐसे मुझे ऐसे शिकार बनाया गया है, मनी म्यूल का धोखेबाजी का शिकार बनाया गया है और मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये पहली FIR तो आप खुद कराइए और उसके खिलाफ कराइए जिसने आपको मनी म्यूल बनाया है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागना। तीसरा, आप बैंक जाइए, बैंक से जाकर के अपना डिटेल लेकर के आइए कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी साइबर कंप्लेंट्स आपके अगेंस्ट हुई हैं और कितने कितने अमाउंट की साइबर कंप्लेंट हुई है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आए थे जो कि आपने आगे ट्रांसफर कर दिए, जरूरी नहीं है कि सारे अमाउंट के लिए ही आपके ऊपर कंप्लेंट हो सकता है कि 2 लाख के लिए हो, 10 लाख के लिए हो, 50 लाख के लिए हो। तो अब जो विक्टिम है वो सामने से जो कंप्लेंट कर रहा है, कंप्लेनेंट है, उसको आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। बैंक बोलती है और साइबर पुलिस भी यही बोलती है कि हमको रिकवरी से मतलब है, भाई तुम्हारे खाते में पैसे आए, तुमने आगे ट्रांसफर कर दिए हैं, या तो तुम हमको दे दो पैसे, ठीक है, विक्टिम का जो नुकसान हुआ है वो पैसे दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि विक्टिम को तो पैसा चाहिए ना, जिसका पैसा गया है। तो वो आप दो, स्कैमर से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि स्कैमर्स तो ज़्यादातर इसमें बाहर बैठे हुए हैं या उन्होंने दूसरे रास्तों से पैसे निकाल लिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपका नुकसान ये है कि आपको उस पैसे की भरपाई करनी है जो कि आपने कमाया ही नहीं, जो आपके पास आया ही नहीं था। सेटलमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यही एक फैक्टर है जिससे कि आप बच सकते हो। और तमाम सारे ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको अपने घर से सेटलमेंट वैल्यू दे करके ही छूट मिली है इस तरह के केसेस से, यानी कि उनको छुटकारा तब मिला है जब उन्होंने विक्टिम के साथ में सेटलमेंट की है थ्रू साइबर पुलिस। तो यहाँ पर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जितने की भी कंप्लेंट आपने आपके ऊपर हुई है उतने पैसे आपको वापस रखने भी पड़ेंगे, आपको वापस देने पड़ेंगे, ये याद रखिए अच्छी तरीके से। और हाँ, इन सब के बीच में एक साइबर का एक्सपर्ट कोई लॉयर हो उसको आप हायर कीजिए, उससे सलाह लीजिए, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें, सबको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन यस, अगर आप मनी म्यूल बन गए हैं, हजारों लाखों रुपए आपने अपने अकाउंट में लिए हैं और साइबर की कंप्लेंट होती है तो जेल जाने की संभावनाएं आपकी ही होंगी। तो कोऑपरेट कीजिए, कंपनसेट करने के लिए तैयार रहिए और सबसे इंपॉर्टेंटली तो इन सब चीज़ों में फंसिए ही मत। 100 रुपए हो चाहे 1 लाख रुपए हो, लालच सबसे बुरी बला है। आप थोड़े से पैसों के लिए इस तरह की गलती कर बैठते हो और ये गलतियाँ जो होती हैं ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। जेनरिक मैसेज था RBI का, आप भी इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और कोशिश कीजिए हमेशा कि कहीं भी अननोन सोर्स से एक भी पैसा अपने अकाउंट में नहीं मंगाना है। मंगाओगे तो इन सब चक्करों में फंस जाओगे और ये सब चीज़ें कई बार करियर भी बर्बाद कर देती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए ताकि वो भी इन सब चीज़ों से अवेयर हो सकें।